शादीशुदा शार्प मेमोरी ये ले पहुंच वरना पिछवाड़े का वेलक्रो बन जाएगा। सर शायद ऐसा हो कि सबको लगे कि मिशन फेल हो गया, बस आप इतना याद रखना इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार इज बैक। जी हाँ दोस्तों, लगभग डेढ़ साल के लंबे इंतजार के बाद अक्षय कुमार की नई फिल्म बेल बॉटम का ट्रेलर फाइनली आज रिवील हो चुका है और इस ट्रेलर को देखने के बाद यही कहूंगा कि यह फिल्म अक्षय कुमार के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बेल बॉटम का ट्रेलर पूरी तरह से थ्रिल और सस्पेंस से भरा पड़ा है। जिस ट्रेलर में आपको कई जगह गूज बम मोमेंट देखने को मिलते हैं, साथ ही इस ट्रेलर के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है दारा रा रा, मतलब कि बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी तरह से अंगार है। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रेलर के अंदर जो अक्षय कुमार का लुक है क्या गजब का लग रहा है, मतलब कि अक्षय कुमार दौड़ते हुए आ रहे हैं वो वाला लुक। इसके अलावा अक्षय कुमार वाणी कपूर को अपनी बाइक पर बिठा कर चला रहे हैं वो वाला लुक हो। अक्षय कुमार पूरे ट्रेलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस ट्रेलर को देख कर फिल्म की कहानी के बारे में जितना पता चल रहा उससे लगता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से इंगेजिंग और पूरी तरह से सस्पेंस से भरपूर होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ट्रेलर में साफ देखने को मिल रहा है कि अक्षय कुमार एक स्पाई एजेंट है जिनका कोड नेम है बेल बॉटम, जो कि एक हाईजेक हुए प्लेन को बचाने के लिए निकलते हैं। उसके बाद इस मिशन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं वही हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ट्रेलर तो काफी जबरदस्त है। ट्रेलर में अक्षय कुमार के अलावा हुमा कुरैशी का एक छोटा सा सीन है और हुमा कुरैशी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो वाणी कपूर का लुक है वो काफ़ी बढ़िया है और वाणी कपूर अक्षय कुमार की वाइफ के किरदार में काफ़ी ज़्यादा जम भी रही है। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पे लारा दत्ता की, तो लारा दत्ता बनी हुई है इंडिया की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। लेकिन दोस्तों यही कहूँगा कि यहाँ पे लारा दत्ता को इतना ज़्यादा मेकअप लगा दिया है कि वो इंदिरा गांधी बनने के चक्कर में खुद की पहचान भूल गई है। और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि इंदिरा गांधी का कैरेक्टर लारा दत्ता प्ले कर रही है, उन लोगों को तो शायद पता भी नहीं चलेगा कि इंदिरा गांधी लारा दत्ता बनी हुई। दोस्तों यहाँ पे ट्रेलर के अंदर सिर्फ लारा दत्ता का जो मेकअप है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इसके अलावा बेल बॉटम का ट्रेलर पूरी तरह से है ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों तैयार हो जाइए 19 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 19 अगस्त को बेल बॉटम फिल्म हिंदुस्तान के सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। तो इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आप पूरी तरह से सैनिटाइज कर लीजिए, मास्क लगा लीजिए और 19 तारीख को इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। बाकी दोस्तों बेल बॉटम का ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।